हेलो गाइस एंड वेलकम टू फिनोमिना गाइस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन सीरीज का पार्ट सेकंड, और इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुका हूं, तो उससे अगले के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, 25 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 26 देखते हैं, द स्ट्रक्चर इन सेल्स विच कंटेन्स लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। तो जो स्ट्रक्चर होता है सेल्स में और जो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट कंटेन करता है, तो उसे क्या कहते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट होता है। तो वो स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वो क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्वेश्चन कहता था स्ट्रक्चर इन सेल्स विच कंटेन्स लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, तो वो क्या कहेंगे उसे, क्लोरोप्लास्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल की प्रॉपर्टी होती है कि मतलब वो किसी टेम्प हर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं। तो वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल की प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है। तो इन चारों में से कौन सा कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, वो टोर्टोइज है, कछुआ होते हैं जो, तो वो किसी भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स, जो लंग्स को कवर करती है उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं। फर्स्टली हमारा ऑप्शन है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम होता है जो हार्ट को कवर करती है, जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, ये भी मेम्ब्रेन होती है बट ये हार्ट को कवर करती है। और पेरिटोनियम, ये भी मेम्ब्रेन होती है बट ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर करती है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करती है। बट पिलोरा होती है, ये लंग्स को कवर करती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, पिलोरा लंग्स को कवर करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, द बायोलॉजिकल डेथ ऑफ ए पेशेंट मीन्स द डेथ ऑफ ए टिश्यू ऑफ द, तो जो बायोलॉजिकल डेथ कंडीशन होती है, बायोलॉजिकल डेथ ऑफ ए पेशेंट बोलते हैं, तो वो किस कौन सी चीज़ की टिश्यू की डेथ हो जाती है जिस वजह से बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। तो वो ब्रेन के टिश्यू की डेथ हो जाती है और उस कंडीशन को बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं पेशेंट की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ब्रेन के टिश्यू की डेथ हो जाती है एंड इन कंडीशन बायोलॉजिकल डेथ ऑफ पेशेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन ऑफ ए डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, जिसकी वजह से ब्लड देर में जमता है, ब्लड क्लॉटिंग देर में होती है, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, कौन सा डिसीज हो जाता है। तो हेमोफेलिया हो जाता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड या जो ब्लड होता है वो देर में जमता है। अगर बॉडी से बाहर ब्लड निकलने लगा तो उसकी जो क्लॉटिंग होती है वो देर में होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, हैवी अल्कोहल कंज्यूमिंग पीपल जनरली डाई। तो जो ज़्यादा ड्रग्स, ज़्यादा मतलब अल्कोहल ले लेते हैं या ज़्यादा शराब पी लेते हैं, उनकी डेथ हो जाती है किस वजह से, एक सिरहोसिस डिसीज हो जाती है लीवर के अंदर, सिरहोसिस डिसीज होती है लीवर के अंदर, इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है अगर वो ज़्यादा शराब पी लेते हैं, ज़्यादा अल्कोहल इनटेक कर लेते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बी ऑप्शन, सिरहोसिस होती है, ये लंग लीवर के अंदर डिसीज होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया का बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। एंड बट लाइजोजोम्स को बोलते हैं एटम बॉम्ब, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइजोजोम्स को एटम बॉम्ब बोलते हैं और पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, मिनिमाटा डिसीज वाज कॉज्ड बाय, तो मिनिमाटा डिसीज होता है वो किस वजह से होता है, किसके इनटेक से होता है। तो वो मिनिमाटा डिसीज होता है वो मरकरी के इनटेक से होता है, मगर मरकरी को इनहेल कर लेते हैं बॉडी के अंदर, तो मिनिमाटा डिसीज होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34, द चीफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग रेयन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो नेचुरली ऑकरिंग होता है, तो वो सेलुलोज होता है। द चीफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन, सेलुलोज यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। द कलर चेंज इन चैमेलियन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो गिरगिट होता है वो अपना कलर चेंज कर लेता है, वो किस कारणवश होता है, किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? तो जो कलर चेंज होता है चैमेलियन, वो क्रोमेटोफोर की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर बी, क्रोमेटोफोर की वजह से होता है कलर चेंज। एंड क्वेश्चन नंबर 36, द केमिकल विच इज यूज इन आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट में भी यूज करते हैं और क्राफ्ट में भी यूज करते हैं, एंड कॉज एनेमिया एंड ल्यूकेमिया, बट डिसीज भी फैलाता है ये, कॉज करता है एनेमिया एंड ल्यूकेमिया, अगर बॉडी के अंदर इनहेल हो जाए तो वो बेंजीन होता है, केमिकल होता है बेंजीन। द केमिकल विच इज यूज इन आर्ट एंड क्राफ्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, द केमिकल यूज इन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कॉज एनेमिया एंड ल्यूकेमिया, तो वो बेंजीन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 37, सब्सटेंस विच आर यूज टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर इन हाई फीवर कंडीशन आर कॉल्ड, तो जो हाई फीवर होता है, तेज बुखार होता है, तो टेम्परेचर बॉडी का डाउन करने के लिए, कम करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं? तो वो एंटीपायरेटिक्स होते हैं, जो सब्सटेंस अगर हाई फीवर है, तेज बुखार में यूज किया जाता है टेम्परेचर डाउन करने के लिए बॉडी का, तो वो एंटीपायरेटिक्स को यूज करते हैं, ये ऐसा ड्रग्स होती है, मतलब दवाई। एंड क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, प्लांट्स विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जो प्लांट्स एक अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक बार ही फूल देते हैं, विच फ्लावर ओनली वंस आर नोन एज इन पूरी लाइफ में, इन देयर लाइफ टाइम, तो पूरी लाइफ में एक बार ही फूल देते हैं, तो वो कौन से प्लांट्स होते हैं? वो मोनोकार्पिक होते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं जो एक बार ही फूल देते हैं, एक बार ही फूल आता है उन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, ग्रीन मैन्योर इज ऑब्टेंड फ्रॉम, ग्रीन मैन्योर किससे ऑब्टेंड होती है, किससे प्राप्त होती है? ग्रीन मैन्योर इज ऑब्टेंड फ्रॉम डिकम्पोजिंग ग्रीन लेग्यूम प्लांट्स को, जब डिकम्पोज करते हैं तब जाके ग्रीन मैन्योर प्राप्त होती है, डिकम्पोजिंग ऑफ ग्रीन लेग्यूम प्लांट्स, ग्रीन लेग्यूम प्लांट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 40, द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन बेस्टिस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, जब हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो बेस्ट होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसको डिकम्पोज करते हैं, लेकिन किस कंडीशन में? कंट्रोल्ड कंडीशन में, तो उसको क्या बोलते हैं? अगर हम बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, बट कंट्रोल्ड कंडीशन में, तो उसको कंपोस्टिंग बोलते हैं, उस प्रोसेस को कंपोस्टिंग बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, विच प्रोटीन सुगर पेयर, तो कौन सा प्रोटीन सुगर पेयर पाया जाता है मिल्क में, इज प्रेजेंट इन मिल्क, तो वो सेसिन लैक्टोज पाया जाता है एज अ पेयर, प्रोटीन एंड सुगर, ये प्रोटीन होता है और ये सुगर, तो ये सेसिन लैक्टोज पाया जाता है मिल्क में एज अ प्रोटीन सुगर पेयर। एंड क्वेश्चन नंबर 42, हु डिस्कवर्ड डेट मलेरिया वॉज कॉज्ड बाई फीमेल एनोफिल्स, किसने डिस्कवर किया था कि मतलब जो मलेरिया होता है, मलेरिया डिसीज होता है, वो फीमेल एनोफिल्स की वजह से होता है, ना कि मेल एनोफिल्स की, तो वो रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर किया था, जो मलेरिया होता है वो फीमेल एनोफिल्स की वजह से होता है, ये रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 43, वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रीट्स यूरिक एसिड एज इट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कौन सा, या तो एमोबा या टिलापिया या स्पैरो या कैमल, इन चारों में से कौन सा है जो यूरिक एसिड देता है, यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में यूरिक एसिड देता है, तो वो स्पैरो है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में यूरिक एसिड निकलता है, तो वो स्पैरो से निकलता है। एंड क्वेश्चन नंबर 44,
डीपीटी वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू प्रिवेंट डिसीज लाइक, तो डीपीटी वैक्सीन को क्यों दिया जाता है और किस डिसीज से वो प्रिवेंट, किस डिसीज से बचाती है, प्रिवेंट फ्रॉम विच डिसीजेस, तो वो डिप्थेरिया से, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। टिटनेस को एक चीज़ और बोलते हैं, लॉक्ड जा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मतलब जो लॉक्ड जा होता है वो किसकी वजह से होता है, वो टेटनेस की वजह से होता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। तो डीपीटी वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट डिसीजेज लाइक डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनेस। क्वेश्चन नंबर 45, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर कन्वर्जन होता है सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी, सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एंड क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन, तो कोलेस्ट्रॉल किस में अब्सेंट होता है, वो ग्राउंड नट में अब्सेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन ग्राउंड नट ऑयल। एंड क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 65% ऑफ द केसेस ऑफ मलेरिया इन इंडिया, तो 65% केसेस जो मलेरिया के होते हैं इंडिया में वो किस पैरासाइट की वजह से होते हैं, तो वो बी ऑप्शन होगा हमारा, प्लास्मोडियम बेगवैक्स की वजह से होते हैं, प्लास्मोडियम बेगवैक्स की वजह से होते हैं 65% केसेस, और ये प्रोटोजोन पैरासाइट होता है। सिक्सटी फाइव परसेंट केसेस प्लास्मोडियम बेगवैक्स के ही पाए जाते हैं इंडिया में। एंड क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, इफ वेस्ट मटेरियल्स कंटिमिनेट्स द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज विल स्प्रेड, जब जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो वेस्ट मटेरियल से कंटिमिनेट हो जाता है या दूषित हो जाता है, तो कौन सा डिसीज फैलता है, वो टाइफाइड को फैलता है, उससे टाइफाइड डिसीज फैलता है जब एक ड्रिंकिंग वाटर को अगर हम इंटेक कर लेंगे कि वो कंटिमिनेट हो चुका है वेस्ट मटेरियल से, तो वो टाइफाइड को फैलाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 49, स्पिग्नोमीटर मेजर्स द ब्लड प्रेशर, ये सभी जानते हैं कि स्पिग्नोमीटर को ब्लड प्रेशर को नापने के लिए यूज किया जाता है, बट ये ब्लड प्रेशर किस चीज़ का नापता है, या बीन्स का नापता है, या आर्टरीज का नापता है, या आइस या ऑल, तो ये तो फालतू के ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा आर्टरीज। ये ध्यान रखना है कि वो आर्टरीज के ब्लड प्रेशर को नापता है, ना कि वेंस के, तो स्पिग्नोमैनोमीटर मेजर्स द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज। एंड क्वेश्चन नंबर 50, पीपल विद डाउन सिंड्रोम इनवेरिबली अफेक्टेड बाई, जो पीपल होते हैं वो डाउन सिंड्रोम इनवेरिबली अफेक्टेड बाई, तो वो अल्जाइमर्स डिसीज होती है, अल्जाइमर डिसीज जिसे डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, तो वो अल्जाइमर डिसीज होती है, ध्यान रखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। पीपल विद डाउन सिंड्रोम इनवेरिबली अफेक्टेड बाई अल्जाइमर्स डिसीज। तो गैस ये थे 25 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में, और इसके नेक्स्ट पार्ट में भी कराएंगे हम, 50 क्वेश्चन कराएंगे। तो गैस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।